हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द ग्रुपिंग मेथड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज. इन अवर लास्ट लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस द ग्रुपिंग मेथड, बट दैट वॉज इन डिस्क्रीट सीरीज. आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में ग्रुपिंग मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड की रिक्वायरमेंट ही क्यों है. अगर हम देखें तो हमारे पास दो इंटरवल आ रहे हैं, 10 to 15 एंड 20 to 25, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है हमारी वो क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है. 10 to 15 में अगर आप देखोगे वहाँ भी 10 है, और 20 to 25 में देखोगे तो वहाँ भी क्या है, 10 है. तो हम कौन से इंटरवल को लेके चलें कि इससे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें मिल जाए किसकी, मोड की. अब दो मोड तो एक सीरीज़ के अंदर हो नहीं सकते. यहाँ पर हम जो ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करेंगे उससे हम केवल इतना पता लगा पाएंगे कि जो कंसर्न क्लास है हमारी, जो क्लास इंटरवल है, हमें वो 10 टू 15 कंसीडर करना है या 20 टू 25. एग्जैक्ट वैल्यू के लिए तो जो हमारा मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो हमें लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड हम शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें कौन सी टेबल बनानी है. सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड के लिए हमें बनानी है ग्रुपिंग टेबल, और ग्रुपिंग टेबल के बाद हमें बनानी है एनालिसिस टेबल. ठीक है, तो ग्रुपिंग टेबल में 6 कॉलम हमें बनाने पड़ते हैं. फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम कौन सा कॉलम कंसीडर करके चलते हैं, फर्स्ट, और जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे. 10 हमारे पास 2 times रिपीट हो रहा है तो 10 को हम सर्कल कर लेंगे. उसके बाद सेकेंड कॉलम, सेकेंड हम कैसे निकालते हैं, हम फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करते हैं 1 plus 2, दैट इज़ 1 plus 2 जो है आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 1 plus 2 इज इक्वल टू 3. 10 plus 4 इनको हम कैसे कंसिडर करेंगे, इनको हम ऐसे कंसिडर करेंगे 1 2 1 2 1 2. अब यहाँ पे ये सिंगल फ्रीक्वेंसी रह गई, इसके साथ ग्रुपिंग नहीं हो रही तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे. 10 plus 4 हो जाएगा 14. सिमिलरली 10 plus 9 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 19. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है हमारा क्या है, 19, तो हम किसको सर्कल कर लेंगे, 19 को. सेकंड कॉलम जो है हमारा प्रिपेयर हो गया. अब थर्ड कॉलम की बात करते हैं, तो थर्ड कॉलम में होगा 2 plus 3, सेकंड फ्रीक्वेंसी और थर्ड फ्रीक्वेंसी. अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे, इसको 1 2 3, उसके बाद 1 नहीं लेंगे, 2 3 2 3. तो देखो 2 3 2 plus 10, दैट इज 12. 4 plus 10 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 14. 9 plus 2 11. तो यहाँ मैक्सिमम जो हमारे पास क्या आया, 14. हम 14 को क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे. उसके बाद फोर्थ कॉलम, फोर्थ थर्ड तक जो है हम दो दो फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करते हैं, और फोर्थ से हम 3 3 फ्रीक्वेंसी की ग्रुपिंग करना शुरू कर देते हैं. यहाँ पे हम करेंगे 1 plus 2 plus 3. फ्रीक्वेंसीज में देखिए 1 2 3 1 2 3, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी रह गई, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे. 1 2 3 1 plus 2 plus 10, 1 plus 2 plus 10 कितना आ जाएगा, 13. उसके बाद 1 2 3 4 10 and 9. ठीक है, 4 plus 10 plus 9, ये क्या हो जाएगा, 21. तो 21 को हम सर्कल कर देंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है. उसके बाद फिफ्थ कॉलम की बात करते हैं, फिफ्थ में भी 3 frequencies की ग्रुपिंग होगी, 2 3 4. इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए ये फिफ्थ कॉलम है तो हमेशा इससे एक कम रहेगा. फोर्थ है तो हम 3 तक आए हैं, फिफ्थ है तो हम 4 तक आएंगे, 2 3 and 4. फ्रीक्वेंसीज में चेक कीजिए, ये 1 है, इसको हम नहीं लेंगे, 2 3 4 2 3 4 2 3 4, यानी कि 10 plus 2 plus 4, 2 plus 10 plus 4, दैट इज 16. और उसके बाद आ जाएगा हमारा 10 plus 9 plus 2, क्या आ जाएगा, 21. तो हम किसको सर्कल कर देंगे, 21. ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए सिक्स्थ, सिक्स्थ में क्या करेंगे, सिक्स्थ है तो इससे कम रखेंगे, तो कम कैसे होगा, थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, वन टू इनको छोड़ दीजिए, थ्री फोर फाइव, यानी कि और लास्ट में दो फ्रीक्वेंसी है, तीन की ग्रुपिंग करनी है, तीसरी कोई फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हम इनको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या करना है, थ्री फोर एंड फाइव, टेन प्लस फोर प्लस टेन, टेन प्लस फोर प्लस टेन, ट्वेंटी फोर, सर्कल, ठीक है। यहाँ पर हमारी ग्रुपिंग टेबल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब सेकंड हम प्रिपेयर करेंगे एनालिसिस टेबल। तो एनालिसिस टेबल तैयार करने का मेथड भी बताया था। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉलम लेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और लास्ट में हम क्या कर देंगे, टोटल। यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लेंगे, ज़ीरो टू फाइव, फाइव टू टेन, टेन टू फिफ्टीन, फिफ्टीन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव, एंड जो लास्ट है हमारा उसके बाद है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी एंड थर्टी टू थर्टी फाइव। अब देखिए ज़ीरो टू फाइव, फर्स्ट वाले में आ जाइए, जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है 10, 10, ये कौन कौन से इंटरवल के सामने है, 10 टू 15 और 20 टू 25। तो हम क्या करेंगे, पहला टिक लगाएंगे 10 टू 15 और दूसरा लगाएंगे 20 टू 25, ठीक है, सिर्फ मैक्सिमम को हमें कंसिडर करना है। सेकंड में है 10 प्लस 9, 19, 20 टू 25 एंड 25 टू 30, 20 टू 25 एंड 25 टू 30। थर्ड 14 आ रहा है, 14 कब आ रहा, जब हमने 4 प्लस 10 किया, और 4 प्लस 10 जो है हमारा किसके सामने है, 15 टू 20 एंड 20 टू 25। तो देखिए 15 टू 20 एंड 20 टू 25, थर्ड तक हो चुके हैं। उसके बाद फोर्थ में जो मैक्सिमम है 21 है, 21 आया जब हमने 4 प्लस 10 प्लस 9 किया। अब 4 प्लस 10 प्लस 9 किस किस के सामने है, 15 टू 20, 20 टू 25, 25 टू 30। तो इन तीनों के आगे 15 टू 20, 20 टू 25 एंड 25 टू 30, क्लियर। फोर्थ कॉलम हम कर चुके हैं। फिफ्थ कॉलम में 21, 10 प्लस 9 प्लस 2, 10 प्लस 9 प्लस 2 किस किस के सामने है, ये 20 टू 25, 20 टू 25 के बाद तीनों हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 20 टू 25, 25 टू 30 एंड 30 टू 35, क्लियर। और सिक्स्थ कॉलम में है हमारे पास, लास्ट में सिर्फ हमारे पास एक ही ग्रुप बन रहा है, एक ही ग्रुपिंग हो रही है, तो भी हम इसी को मैक्सिमम मान के चलेंगे, 24, जो कब आया हमारे पास, जब 10 प्लस 4 प्लस 10 किया। अब देखो 10 प्लस 4 प्लस 10, 10 टू 15, 15 टू 20 एंड 20 टू 25, 10 टू 15, 15 टू 20 एंड 20 टू 25, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, इनका टोटल। तो देखो 0 टू 5 के आगे कोई भी टिक नहीं आया, 5 टू 10 के सामने कोई नहीं आया, डैश कर दो। यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 3 प्लस 3 6, यहाँ है 3 और यहाँ है हमारा 1। तो यहाँ पर हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है कि हम कौन से इंटरवल को कंसीडर करें, क्योंकि 10 जो है वो 10 टू 15 के सामने भी था और 20 टू 25 के सामने भी था, ठीक है। तो हमें कौन सा इंटरवल कंसीडर करना है, 20 टू 25, जो हमारी मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास जो होगी वो कौन सी होगी, 20 टू 25, क्लियर। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू मोड की निकालने के लिए, जो एक्चुअल जो वैल्यू होगी मोड की, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मोड, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, देखिए जेड जो है वो मोड को डिनोट करता है, L1 लोअर लिमिट जो भी कंसर्न क्लास है, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। ये सिंपल मेथड है मोड कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज,
ठीक है। तो देखो अब जो ये क्वेश्चन है, हमें पता लग गया कि जो मॉडल क्लास है वो कौन सी है, 20 to 25। तो इस केस में जो हमारी L1 है, जो लोअर लिमिट है, वो हमारी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, F1। ये 10 जो है ये F1 हो जाएगी, इससे जो पहले है, जो प्रिसीडिंग है, वो F0, और जो बाद में है दैट इज़ F। इस तरह से कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो कंसर्न क्लास है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है उसको हम F1 कंसीडर करेंगे, प्रिसीडिंग F0, और जो उसके जस्ट बाद है वो हमारी क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको पुट करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो तो Z इज इक्वल टू L1, L1 जो है हमारा क्या है, L1 की वैल्यू है 20, F1 है 10, F0 है 4, F1 से पहले 4 था, 2F1, F1 की वैल्यू है 10, F0 4, और F2 जो F1 के जस्ट बाद था यानी कि 9, I जो हमारा इंटरवल है 20 to 30, ठीक है, सॉरी 20 to 25 है, क्या है, 20 to 25। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5, तो ये हो जाएगा 20 + 6, 10 × 20 हो जाएगा, और 9 + 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 20 में से 13 माइनस करेंगे 7 × 5, ये हो जाएगा 20 + 30/7, 20 + 4.2, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है मोड की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 24.2। जेड जो है, मोड जो है, वो इस सीरीज़ का वो क्या हो जाएगा, 24.2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज द मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।